एस एम एस अस्पताल लाया गया है। आपको बता दें कि उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद एस एम एस अस्पताल उन्हें लाया गया। आज सुबह से ही सीने में भारीपन और थकावट की उन्हें शिकायत थी। एस एम एस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने उनका चेकअप किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उनका आगे का इलाज शुरू किया जाएगा। डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल तमाम जाँचें जो हैं वो की गई हैं। तो एस एम एस अस्पताल जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लाया गया है, जहाँ पर उनकी हार्ट संबंधी जो जाँच है वो की जा रही है। ललित, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, क्या जानकारी है अभी, किस तरीके से जांच जो है मुख्यमंत्री की चल रही है, क्या क्या दिक्कतें उनकी बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले एक घंटे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ जब उन्हें सुबह लाया गया था तो उसके बाद जो सुधीर भंडारी हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी, उन्होंने उनका चेकअप किया। चेकअप करने और ईसीजी करने के बाद इनकी दोनों ही रिपोर्ट सही आई गई। इसके बाद एंजियोग्राफी, इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैथ लैब में है, वहाँ उनकी एंजियोग्राफी कराई जा रही है, साथ ही उनका सीटी करवाया जा रहा है। सुबह हमने देखा था कि जब उनको लाया गया तो उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है, हम आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हो रही हैं, कल से मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा था, अभी एसएमएस अस्पताल में अपना सिटी एनजीओ करवाया है, एनजीओप्लास्टी की जाएगी। ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एनजीओप्लास्टी की जाएगी, और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे अस्पताल में करवा रहा हूं, मैं ठीक हूं और जल्द ही वापस आऊंगा, आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी अभी ट्वीट किया है, और उससे अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी यहां पर पहुंच चुकी है, और वह भी अब अंदर एसएमएस हॉस्पिटल की कैथ लैब में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कल से ही सीने में दर्द हो रहा था, लगातार जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी उनको बढ़ता हुआ देखते हुए आखिरकार उनको आज सुबह एसएमएस हॉस्पिटल में लेके आया, और उनको एसएमएस हॉस्पिटल में व्हील चेयर पे लाया गया। ऐसे में लोगों को ये कयास लगने लगे थे कि सीएम की स्वास्थ्य में थोड़ी ज्यादा गिरावट हो रही है, लेकिन अब उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के बाद अब ये साफ हो गया है कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा गंभीर नहीं है। साथ ही जो अब उनके सीएम ने जो ट्वीट किया है उसके बाद ये भी साफ हो गया है कि जो एंजियोग्राफी कराई गई है उसमें थोड़ी बहुत समझ आई है और उसकी एंजियोप्लास्टी करवाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अस्पताल की व्यवस्था है उन पर भी संतोष जताया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है, एसएमएस के दोनों ही गेटों पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी एसएमएस अस्पताल पहुंच चुकी हैं, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके पास पहुंची हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गहलोत के साथ ही यहाँ पर पहुँचे थे, और जो उनके स्वास्थ्य हैं उनको लेकर लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। तमाम जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं या विधायक हैं वो लगातार फ़ोन करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो स्वास्थ्य की जानकारी है वह ले रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी एसएमएस अस्पताल पर पहुँच चुके हैं, और विधायक रफीक खान भी पहुँच चुके हैं। कैथ लैब के अगर बात की जाए तो कैथ लैब के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनकी जाँच चल रही है, अब सीटी करवाया जाएगा। आपको बता दें सुमित कि अब थोड़ी देर में सिटी स्कैन भी करवाया जाएगा, सिटी की रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद जो आगे का उनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो एंजियोग्राफी है उसमें थोड़ी समस्या आई है, जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है उसके अनुसार उनकी एंजियोप्लास्टी कराई जाएगी। तो अभी जो ताज़ा जानकारी है वह यह है कि उनकी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी कराई जाएगी, जो उनकी पत्नी सुनीता गहलोत है वह भी उनके पास पहुँच चुकी है। जी ललित, ये जानना चाहेंगे आज उन्हें किस तरीके से दिक्कतें जो हैं वो पेश आई थी, और क्या जानकारी जो है शुरुआती तौर पर मिली, और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री की तरफ से अभी ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी एनजीओ जो है वो हुई है, आगे की जांच के लिए क्या उन्हें अभी अस्पताल में रखा जाएगा? जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि कल से ही सीएम के सीने में हल्का दर्द हो रहा था, उसके बाद से ही लगातार डॉक्टर उनकी जांच के लिए उनको एडवाइस कर रहे थे, और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह यहां पर जांच के लिए पहुंचे। और अगर बात करें कोरोना के बाद, जब कोरोना पॉजिटिव की संक्रमण पाया गया था उसके बाद से ही जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी वह चली आ रही थी। डॉक्टर्स ने भी 2 महीने के रेस्ट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा था कि 2 महीने का रेस्ट कीजिए, जिसके बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार रेस्ट
पे दे, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी उनको लेकर समय समय पर वह ट्वीट करके भी अवगत कराते थे कि स्वास्थ्य में कितना सुधार है। लेकिन पिछले दो दिन से लगातार जो सीने का दर्द था उस दर्द के बढ़ने के चलते आखिरकार वह आज सुबह हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल आते ही जो सुधीर भंडारी हैं उन्होंने उनका चेकअप किया, इसके बाद ECG करवाई गई, ECG की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। उसके बाद डॉक्टर सुधीर भंडारी ने एंजियोग्राफी और CT करवाने की सलाह दी थी। उसके बाद एंजियोग्राफी कराई गई है, एंजियोग्राफी में थोड़ी बहुत दिक्कत आने के चलते अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये कहा है कि एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है, तो वहीं अब CT जो करवाई जा रही है, CT को लेकर भी अब थोड़ी देर में उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये साफ होगा कि CT में क्या समस्या आती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी भी यहाँ मौजूद हैं और जो पुलिस प्रशासन है वह पूरी तरीके से यहाँ चाक चौबंद है। रास्ते जो CM अशोक गहलोत हैं उनके जो रास्ते हैं उनमें पुलिस प्रशासन का भारी जाप्ता तैनात किया गया है, मेडिकल की पूरी टीम है वह लगी हुई है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ी बहुत हलचल बढ़ी है, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में जो उनकी रिपोर्ट है सिटी वाली, वो सिटी वाली रिपोर्ट भी आती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में लगातार जो उनके स्वास्थ्य पर है नजरें डॉक्टरों की बिल्कुल बनाए हुए हैं, तो जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल SMS अस्पताल में हैं जहां पर उनकी जांच की गई है। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले में खुद जानकारी दी, उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरीके से सीने में जो है दर्द हो रहा था और उसके बाद वो अपनी तमाम जांचें करवाने के लिए SMS अस्पताल में यहां पर पहुंचे हैं, उनकी जांच यहां पर जो है वो की गई है। ललित बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए।